गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ग्रुप। कैसे आप लोग सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और मैं लगी हुई हूँ, कल है नवरात्रा। तो नवरात्र स्टार्ट हो गया है आज। और मैं आपको कल बताया था कि वैसे बताऊँ नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या है कि इसका साफ सफाई तो मंदिर का करना ही पड़ता है। तो मैं अभी पहले पूजा का सब सामान निकालती हूँ। इस इधर में होगा सब साफ सफाई। तो इधर में आप देख सकते हैं, ये सिर्फ पूजा का ही सामान है। और इधर में ये देखिए, मैंने रखा हुआ है ये सब बुक्स जो मैं ये पढ़ती हूँ। भाई सब तो नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ती हूँ। पाठ वगैरह से माला वाला करना होता है तो वो सब भी है। और ये सब बुक है, कोई आरती का है, कोई दुर्गा जी का है, हनुमान जी का, सब मिला के। और इसमें रखा हुआ है ये भाई का चुंदड़ी, ये सब तो चेंज करते रहती हूँ। ये है जनेऊ, ये सब तो इसमें ये रखा रहता है। ये घी का डब्बा है, तो ये बुक और इसका हो गया है। और इसमें सब पूजा की सामग्री का सब सामान रहता है। इसमें देखिए, किसी में रोली है, मोली है, किसी में चावल है, किसी में ये गेहूं है, और बहुत है। क्या क्या दिखाऊं, ठीक है? तो अभी ये सब पूजा का सामान सबसे घर में रहता है। जब इसको एक एक करके जब सफा करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा मेरे को अभी। तो अभी मैं इसमें लग गई हूँ। और मंदिर का उधर में तो कुछ निकाली नहीं हूँ अभी तक, फोटो वगैरह सब भेजते ही है। तो ये सब रेट में अभी सफा करके चली जाती हूँ, उसके बाद फिर बाद में इसको सफा करेंगे। तो ये सब निकाल दिया है घर में। ये सब में पूजा का सामान ही रहता है मेरा। ये सब एरिया सिर्फ पूजा का ही है टाइप का। तो अभी मैं जा रही हूँ, कुछ काम कर लेती हूँ पहले, और फिर उसके बाद ही साफ सफाई करके। अब मंदिर का वो छुआ नहीं है मैंने। इधर में सब ये है जो डब्बा उब्बा ये सब तो नहाई नहीं हूँ, तो ये ऐसे रख दिया इधर में। इसको धो के चली जाती हूँ, फिर उसके बाद इसको लगाती हूँ। नहाने के बाद इसे साफ सफाई कर दूँ। तो भाई अभी लगे हुए हैं, मैं नहा के हो गई तैयार, और अभी मैं लगी हुई हूँ साफ सफाई में। आप देख सकते हैं अभी तक तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये देखिए पूरा जब जच जाएगा तब अच्छा से दिखाऊंगी। अभी ये सब फोटो वगैरह सफा हो गया, मंदिर को सफा कर दिया है। अभी इसको अच्छा से सेट कर देंगे, जैसे था वैसे ही सुंदर से जचाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ ये सब जच गया। तो अभी लगी हुई लग रही है, एक घंटा और लग जाएगा मेरे को, उसके बाद दिखाती हूँ। वैसे मंदिर हो गया है, आप देख सकते हैं। नीचे भी डब्बा उब्बा सब जो सामान रखा हुआ था नीचे, उस वो भी हो गया है, और ये ऊपर का भी हो गया है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर इधर में सब हो गया। फोटो वोटो सब अच्छा से सफा कर दिया, कपड़ा वपड़ा धुलाई सब हो गया। और इधर में ये भी इसका जच गया है, ऊपर में भी सामान रखा हुआ है कुछ कुछ, और ये भी है। इसमें सब सामान मैंने रखा हुआ है। और ये देखिए माचिस, नीचे में बत्ती बत्ती, इसमें भी बत्ती है, इसमें प्रसाद है, इसमें धूप है, और किसी में चावल है। तो एक ही जगह सब सामान मिल जाए, इसीलिए मैं अपना इसका रेक पूजा का अलग ही रखती हूँ। और इसमें ये सिंदूर है, और ये पीला वाला सिंदूर है शिव जी का। तो मेरे सब अलग अलग रखा हुआ है सब सामान, तो मैं यही मेरे को मिल जाता है, कपूर बत्ती धूप वगैरह सब एक ही जगह मैं रखती हूँ। ये धूप का पैकेट है, तो इसीलिए अपना पूजा का एक जगह ही सब सामान रहता है। और फटाफट हम सुबह पूजा कर लेते हैं। और बुक वगैरह सब नीचे में ही है, पाठ वगैरह सब करना हो तो नीचे में है, आरती का भी सब कुछ। तो आज ये सब जच गया है, और अभी मैं कर लेती हूँ पूजा। तो देखिए आ गया ना, वही बोल रहा था कि अभी मम्मी हम नहीं जाएंगे, हम थोड़ा देर लेते हैं। और देखिए मेरे पीछे पीछे आ गया, और बारिश आई हुई है बहुत ज़्यादा तेज। बहुत बारिश है तो आप देख सकते हैं, और ठंडा भी लग रहा है ऊपर में, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है वहाँ। लेकिन यह तो आई नहीं थी बहुत दिन, मतलब बहुत महीना, छः महीना जितना कोई बारिश नहीं आती। और अभी जो बारिश आ रही है आप देख सकते हैं, मेरा कपड़ा भी कैसे होके रखा हुआ है। और ये लड़का को मैं बोली कि ठीक है मत आ, तो दौड़ के आया पीछे से। देखिए भी आ रहा है, तो इतना अच्छा मौसम हो गया है, देख सकते हैं इधर में वाह क्या हरियाली लग रही है, और हरी साड़ी वाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो इधर में यहाँ हवा बहुत तेज, कपड़ा पूरा एकदम से कैसे लग रहा है, क्या बोले यहाँ बारिश बदल नहाले गिरा भी। तो भाई
था, लेकिन सबसे आगे बहुत ज़्यादा है। इतना अच्छा मौसम ही अच्छा लगता है ना। अगर जो आप लेते हैं कपड़ा, इसमें डालेंगे चिटकनी, चिटकनी का जो एक बैग था, चिटकनी का जो बैग था वो मेरा, ओ ठीक है, चलो ठीक है, सारे कपड़ा बता देते हैं। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है, ज़्यादा तो नहीं हुई है अभी, मतलब शाम हो गई है। और इधर में मैं ये हलवा बना दिया है, इधर देख सकते हैं, बच्चों के लिए भी लगा देती हूँ, अभी लगा रही थी फिर जैसे वीडियो बना देती हूँ। तभी एक इसका दोस्त आया हुआ है, आपके बहुत जो जानते हैं आप लोग, तो ये इधर में, इधर मेरा सब्जी बन गया है, ये देखिए आप लोग का सब्जी इधर में तैयार हो गई है बन के, तो बच्चे तो खाते हैं ये सब्जी। इधर देखिए हलवा बन के तैयार हो गया है और अभी मैं लगा देती हूँ, तो बच्चे भी खुश होंगे, उनको भी अच्छा लगता है ये आलू का हलवा। तो ठीक है अभी मैं लगा रही हूँ, देखिए आ जाती हूँ। तो अभी मैंने थाली में लगा लिया है और अभी जा रही हूँ बच्चों के पास लेके। तो आप देख सकते हैं ये लोग को, आकिब कैसे है भाई? बढ़िया, अभी तो अभी मोबाइल में ज्यादा ध्यान है क्यों? गेम खेल रहा था ऐसे। या ये लोग का एग्जाम है, अभी आके गेम में सारा भर गई। तू बोल रहा है कल का एग्जाम है, तब ये सोया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। ए उठ हलवा लेके आगे चलो, उठो उठो भाई, उठो खा के बताओ कैसा है, और मेरा देखिए कैसा चेहरा बना हुआ है, उठो। तो भाई आप देख सकते हैं लगे हुए हैं, क्या खा रहे तुम लोग? चिप्स और आलू चिप्स, और इसे क्या शाम का नाश्ता? चाय, चिप्स, और ये बुढ़िया के उंगलियां कहते हो। और ये खजला क्या कहते हैं हम लोग को? तो बुढ़िया की उंगली, बुढ़िया की उंगली बोलते हैं इसको। देखिए भाई बात तो सही है, बुढ़ी का उंगली ऐसे हो जाता है, ये सब देख सकते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? फुकनी। हाँ जो चूल्हा में जब फूकनी मारता है उस पर जो फूकनी वो होता है, मतलब पहले ऐसे बोलते थे, ये मिक्स कर ले अच्छा से। तो वे कचर कचर अभी दोनों खा रहे हैं, मेरा है फास्टिंग तो मेरे बिल्कुल भी मन नहीं है, मतलब देखने का भी मन नहीं है ना। और बता कि कैसा है भाई? तो हम तो अभी कल ही पता चलेगा अभी कैसे है। कल का एग्जाम देने के बाद कल ये लोग का हालत खराब हो रखा है दोनों का, तो कल का एग्जाम थोड़ा हार्ड है, ये मिला ले अच्छा से मिक्स कर लें। तो ये लोग को बना के दिया है चाय, और अभी ये पहले दिया ये लोग को हलवा, और अभी खा रहे हैं चिप्स वगैरह। ठीक है तो बैठ के हम भी पी लेते हैं चाय। तो वैसे मैं बिस्तर में थोड़ा लेटा हुआ था, थक गया था, नींद सी आ रही थी, मैं वैसे मोबाइल चला रहा था, और 9:30 हो गए भाई, खाने का क्या प्रोग्राम है, पता करते जाके हैं। आता खान पीना क्या प्रोग्राम रखा हुआ है? खाना का भाई मेरे को तो खाना नहीं है, और अभी तुम लोग को खिलाया था हलवा, फिर इतना भी भूख नहीं है, कम भूख है, तो मैंने फिर बोला कि मैगी बना दूं, तो अंशु बोला कि हाँ मम्मी बना दो, बना दिया, तो फिर वो मैगी ही बना दिया, मैगी पाई नहीं है। तो मैं सोची हूँ ये मैगी बन रही है तब तक अपना किचन ये सब बर्तन का ही जो रहे कहीं इसको सफा कर देती हूँ, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी है ना, हर 2-3 दिन के बाद मतलब वो डस्ट जम जाता है, तो इसमें कपड़ा मारना पड़ता है, तो अभी मतलब कब मारा था होली फ्री मारता, इसीलिए मैं सोची चलिए खड़ी करिए ये सब अच्छा से कर देती हूँ। ठंड बढ़ गई है अभी, ठंड लगती है वही। और गाइस मैं मूंछ कटवा लूँ क्या? हे जरूर, यहाँ पे कम दिया इधर ज्यादा आ गया, मतलब इक्वल सा होना चाहिए ना, एक दो बार काट लूंगा तब आ जाएगा, यहाँ पे तो है इधर तो है, ये सब कटवा ये सब थोड़ा ये भी काट लू सोच रहा हूँ, एक बार काटा था लेकिन बहुत अजीब लगा था उससे यार, तो बस अभी अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन एक दो बार तो काटना पड़ेगा ना इक्वल करने के लिए। अब देखो गाइस इधर इतना एकदम गायब सा लगता है, इधर एकदम सा लगता है चाइनीज सा लगने लग गया, इतना अच्छा नहीं लगता है, ये तो है चलो, ये मेरे को अभी नहीं है चलेगा नहीं, ये तो है हाँ, बहुत बढ़िया। तो गाइस ये बन के रेडी हो गई मैगी, बहुत बढ़िया गरम गरम है नहीं, और मम्मी इधर कपड़ा समेटने लग गई अभी, हाँ, तो बहुत काम करती है, थैंक यू। और ये इधर चेपना भी स्टार्ट कर दिया, मतलब काम तो भाई करना ही पड़ता है, रुका ही नहीं जाता, ठंडा तो होने दे, इधर ठंडा ही नहीं हुआ पहले स्टार्ट हो गया, भूख नहीं था ऐसे पूछा ना तो भूख नहीं था, मम्मी ऐसे मैगी आंसू अब भी लाया, बस अब भी लाया, भाग के गया नहीं जाके मैगी लेके आया, मैगी का तो शौक है बच्चों को, सबको ही है मेरे हिसाब से, मैगी तो ज्यादातर लोग खाते ही, मेरे को तो खूब है,
अब ये फूक मार मार खा रहा, जब मैं खाऊंगा तब खा तो मिले दिखेगा ही नहीं पेट में, इसलिए हम थोड़ा ठंडा करके आराम से खाएंगे। राम राम से खाना चाहिए और क्या है ना मम्मी। हाँ बेटा, इसका तरह थोड़ी फूक मारते रहेगा एक घंटा तक, मेरा जब खत्म होता है तो तू रख के भी आगे तो सो जाएगा पता है तब तक। मेरा बात अलग है, ये तो भाई कंपटीशन है और चीज़ के, वो खाने में भी मैं जीता था, जलोची वाले में मैं जीता था। ठीक है बात करते हो गाइस, आपने देखा नहीं था पुराने वाला चावल, तो तूने इसलिए खाया था, हम लोग मिक्स कर रहे थे, हम लोग देखा ही नहीं तेरे को, तू कच्चा चावल चबा गया, हम लोग क्या क्या गलती है ना। चावल तो कच्चा नहीं था, चावल कच्चा नहीं था, ले विदाउट मिक्स करके खा गया, ये ऐसे चबा गया सारा सब्जी खाया। वो तो आधा आधा में मिक्स किया, आधा सूखा चावल वही, वो तो चबा के निकल गया। अब आपने कैसे अगर देखा नहीं तो पुराना व्लॉग में देख लीजिए, एक खाने का कंपटीशन किया था और एक जोलो चिप का, दोनों में ही जीता था। दोनों में जीता ना? हाँ। वाह क्या बात है, मेरे से चैलेंज करेगा। इससे क्या चैलेंज था ना पूरा, तो तू पूरी भी छोड़ दिया था, दो डेढ़ पूरी है, दो पूरी छोड़ दिया था, सॉरी शेरू खाया था वो दूसरा का। हाँ दूसरा का तो, हाँ चल दूसरा पूरा खाया था लेकिन जीता तो मैं था। हाँ ये सेकेंड रनर अप था, पहले नहीं खाया, स्वाद देके खा रहा था जो भी है, सेकंड यही था। अरे वाह मेरा दोनों। कोई नहीं, क्या सदमे में बैठे हो? मैं ये देख रही कि मैं अभी दूध पिया है, तुम लोग को पिलाया है और बैठी थी, अभी पानी भी नहीं पी के। पी लो, कौन मना किया, बोतल ला के देती हूँ पानी का, तुम लोग भी पी लेना। वही बैठ के देख रही है, अभी कल का एग्जाम है तो सोची कि मैं सोने जाऊँ तो तेरे को भी नींद आएगा। मेरे को नींद तो डर लग रहा है, तो इसीलिए मैं भी इधर दिन में, इसलिए मैं सोया था मालूम है, ताकि नींद ना आए। तो अंशु भी अंदर में, इसको भी कुछ अलग दिया हुआ है पढ़ने के लिए, तो वो भी अपना बैठ के अंदर भी पढ़ रहा है और ये इधर पढ़ाई कर रहा है, दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं और मैं भी इसके पास ही बैठी हुई थी, ये अपना कर रहा था तो मैं बैठ रही थी, कुछ सोच रही थी बैठ के। तो ठीक है अभी मैं अभी सोऊंगी तो पढ़ देना, अभी तो मैं अभी जा रही हूँ सोने के लिए। मैं भी रूम में जा रहा हूँ, नहीं यहीं बैठ के पढ़ ले वो तो सो जाएगा अभी तुरंत। वो अपना कर रहा है, उसको दिया हुआ कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं करे, मच्छर बहुत कटते इधर। इधर तो बहुत मच्छर ना है ही, तो चूस गया पूरा, इसीलिए कमजोर दिख रहा है उसको। तो ठीक है गाइस, अभी ज्यादा ही रात हो गया है, बूट हम लोग को इतना होता है, हम लोग को नॉर्मल बात है, इतना नहीं लगता है। नहीं नॉर्मल तो नहीं है ये, हम लोग के लिए है बस। हम लोग के लिए बोल रही हूँ कि नॉर्मल बात है कि डेली हम लोग का तो होता ही है, शर्मा जी नहीं है तो भी हम लोग को इतना लेट होता है, ऐसा नहीं है कि पापा का भाई अंकल पापा भी पता नहीं कर लेंगे, फाइनल नहीं है। तो ठीक है गाइस, अभी आप लोग डेली देखो, लाइक करो, कॉमेंट करो, नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय सियाराम सीताराम।